बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिली चिकन। अगर आप ये चिली चिकन घर में ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि ये चिली चिकन घर पे कैसे बनाएं। बहुत ही फटाफट से और बिल्कुल आसान तरीके से आज हम घर में रेडी करेंगे ये चिली चिकन। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीडियम साइज पीसेस में कटा हुआ 500 ग्राम चिकन लिया है। अब यहाँ पर चिकन में ऐड करना है 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। 1 अंडा यहाँ पर ऐड करना है अब। और अब लास्ट में अच्छी तरह से बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ी चम्मच मैदा। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन सब को आप चिकन में मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन को अब यहाँ पर हम 15 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। पैन में मैंने लिया है 1 कप तेल। तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर अब चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को क्रिस्पी होने तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। चिली चिकन की इस रेसिपी को आप ज़रूर एंड तक देखें और घर में भी ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दें। ये देखें मीडियम फ्लेम पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर फ्राई किए हुए चिकन को तेल पे से निकाल कर अलग प्लेट में रख लेते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्रिस्पी चिकन फ्राई हो चुका है। इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखने के बाद ये चिली चिकन आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में रेडी कर सकते हैं। ये देखें तेल में से सारे चिकन के पीसेस को हमने अलग निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 4 बड़ी चम्मच तेल। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन से जब अच्छी खुशबू निकले तो उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 बड़े पीसेस में कटे हुए प्याज। चिली चिकन के लिए जिस तरह से हम प्याज काटते हैं बस उसी तरह से हमने प्याज को रखना है, मीडियम साइज पीसेस में कटे हुए। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्च। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 3 बड़ी चम्मच टोमेटो सॉस, तीखेपन के लिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे से इन सब को आप मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इस टाइम पे अब यहाँ पर ऐड करना है फ्राइड चिकन। चिकन को अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं चिकन को। अब जब यहाँ पर सारे सॉसेस चिकन पे अच्छी तरह से चिपक जाएं, तो फिर यहाँ पर ऐड करना है 1 कप पानी में 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। और ये देखें बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चिली चिकन को डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद अब यहाँ पर इसको हम स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर एंड तक देखें और घर में भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।